आज आप भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, कि ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। रेड हुई, जो पूछताछ हुई वो ईडी की रेड थी, वो न कि सीबीआई, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते उनकी मदद से और बीटा में बियर की फैक्ट्री लगाई। मित्रों, जो इस समय लालू परिवार से जुड़ा जो मामला चल रहा है, तो कई बार हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा मामला क्या चल रहा है। तो पहला तो है कि चारा घोटाला, जिसकी पूरी जानकारी आपको है। दूसरा मामला है IRCTC घोटाला, जिसमें तेजस्वी यादव पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी बेल पर हैं, और जिसका ट्रायल प्रारंभ होने वाला है दिल्ली के स्पेशल CBI कोर्ट में। और तीसरा मामला है जमीन के बदले नौकरी लिखवाने का मामला, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला। तो अभी के दिनों में जो कार्रवाई हो रही है वो तीसरे मामलों को लेकर हो रही है, कि जब लालू यादव 2004 से लेकर 2009 के बीच में भारत सरकार में रेल मंत्री थे, उस समय में रेलवे की नौकरी जिन लोगों को दी गई उसमें से बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा ली गई। इसीलिए जो कहते हैं नौकरी के बदले जमीन लिखवाना, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये जो मामला है रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने से जुड़ा मामला, इसकी जांच CBI कर रही है। इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। और ये भी बता दें, जो FIR दर्ज हुई वो महागठबंधन की सरकार आने के पहले FIR दर्ज हुई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनने के बाद कार्रवाई हो रही है, तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी महागठबंधन की सरकार बनने के पहले। और अभी ईडी भी इसमें प्रवेश कर रही है, और ईडी कब प्रवेश करती है, जब किसी मामले में अपराध से पैसा निकलता, पैसा आता है, क्राइम किया गया, अपराध हुआ, पैसा आया, उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ या उपयोग हुआ, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट प्रवर्तन निदेशालय, अभी जो पूछताछ हुई हाल के दिनों में 3-4 दिन पूर्व, जो 24 ठिकानों पर जो रेड हुई, जो पूछताछ हुई वो ईडी की रेड थी, वो न कि CBI की। तो इसलिए, और जो बेल का मामला था वो CBI से जुड़ा मामला था, जिसमें कि 25 तारीख को तेजस्वी यादव को हाजिर होना है। तो मित्रों, जिस मकान में ईडी ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की, वो मकान है D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ये नई दिल्ली का 4 मंजिला आलिशान मकान है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और जिस मकान के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और एक कंपनी जिसका नाम है AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के भी मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तब ये जो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, इस कंपनी ने जमीन खरीदी है हजारी राय से, या हजारी राय ने अपनी जमीन औने पौने दाम पर AK इंफोसिस्टम को बेच दिया 2006 में, और उसके बदले में हजारी राय के दो भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार, इनको जबलपुर और कोलकाता में 2006 में रेलवे की नौकरी लग गई। तो जिस व्यक्ति के दो भतीजों को रेलवे में नौकरी लगी, उस हजारी राय ने अपनी जमीन, दानापुर महुआबाग की जमीन, AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, और वो जमीन उसने लिख दिया। और ये जो हजारी राय ने महुआबाग की जिस जमीन को लिखा 21 फरवरी 2007 को, ये 9527 वर्ग फुट भूखंड है, जो 10,83,000 में नकद भुगतान कर उस जमीन को ट्रांसफर किया गया। मित्रों, ये जो AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। AK इंफोसिस्टम का मतलब होता है अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये अमित कात्याल कौन है, तो जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी 2000 से 2005 के बीच में,
तो बिहटा में एक बियर की फैक्ट्री लगी थी जिसका नाम था आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड। ये अमित कात्याल की कंपनी थी आइसबर्ग प्राइवेट लिमिटेड, जिसे राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते उनकी मदद से और बिहटा में बियर की फैक्ट्री लगाई, जिस कंपनी में लालू यादव की दो बेटियां भी डायरेक्टर थी। तो ये एके इंफोसिस्टम अमित कात्याल के नाम से है, ए का मतलब अमित, के का मतलब कात्याल, तो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यानी अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अब ये एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है, जिसके मालिक थे अमित कात्याल, उनके भाई राजेश कात्याल, इन दोनों भाइयों ने अपना शेयर, आपको मालूम है कंपनी में शेयर होता है और जिसके पास शेयर होगा वही कंपनी का मालिक होगा, तो आज की तिथि में इस कंपनी में 8,500 शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 1,500 शेयर जो है वो तेजस्वी यादव के नाम से है। तो 2014 से लेकर आज तक इस कंपनी की मिल्कियत किसके पास है, मालिकियत किसके पास है, तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है। और मात्र 1,00,000 रुपये में इन लोगों ने शेयर खरीदी और शेयर खरीद कर एके इंफोसिस्टम के वो मालिक बन गए। इस कंपनी में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, चंदा यादव पहले डायरेक्टर थे, लेकिन बाद में इन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय रागिनी लालू, ये जो रागिनी यादव नाम आता है उसका वास्तव में नाम रागिनी लालू है, ये रागिनी लालू उसकी डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर कोई बन सकता है, लेकिन मालिक वही होता जो शेयर होल्डर होता, जिसका कंपनी का शेयर होता है। ये जो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है यानी अमित कात्याल इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इसके 97% शेयर राबड़ी देवी के नाम से है और 3% शेयर जो वो तेजस्वी यादव के नाम से है। और इस प्रकार 1,00,000 रुपये में एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ये लोग मालिक बन गए। और इसी कंपनी के नाम से 2006 में कंपनी बनी है, इसी कंपनी के नाम से हजारी राय ने अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि जमीन एके इंफोसिस्टम में आ गई और उस कंपनी के मालिक कौन हो गए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो आज उस जमीन के मालिक कौन है, तो राबड़ी देवी तेजस्वी यादव उस जमीन के मालिक हैं। और ये वही अमित कात्याल हैं जिन्होंने 2010 में तेजस्वी यादव को 9,50,000 रुपये की गाड़ी उपलब्ध कराई थी। अमित कात्याल की कंपनी है ट्राइंगल ट्रेडिंग लिमिटेड, उसने 2010 में तेजस्वी यादव को 9,50,000 रुपये की गाड़ी उपलब्ध कराई। और इस अमित कात्याल ने तेजस्वी यादव को 30,00,000 रुपये का कर्जा दिया और 55,00,000 रुपये का कर्जा दिया तेज प्रताप यादव को, बाद में वो कर्जा माफ कर दिया गया। ये कर्जा कोई देता तो ब्याज सहित वसूलता है, लेकिन अमित कात्याल ने जो कर्जा दिया उसे वापस नहीं लिया, वो कर्जा माफ कर दिया गया। और इस एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने आज तक कोई बिजनेस नहीं किया। कोई कंपनी खोलता किस लिए, व्यापार करने के लिए, आज तक उसे कोई व्यापार नहीं किया कंपनी ने, तो टर्नओवर नहीं है, 1,00,000 या 1,000 रुपये भी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। तो न तो कंपनी का टर्नओवर है, नहीं कंपनी का कोई व्यापार किया कंपनी ने, उसने एक ही काम किया कंपनी ने, जमीन खरीदने का काम किया। पटना दानापुर सर्किल के मौजा चितकोड़ा, सलेमपुर, चितनावा, बभंगावा, पानापुर में इस कंपनी ने 21 भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 221 डिसमिल होता है, तो 221 डिसमिल शहर के अंदर की जमीन, जो आवासीय जमीन रेजिडेंशियल जमीन है, ऐसे 21 भूखंड 2007 से 2010 के बीच में 2,16,00,000 रुपये में इस कंपनी के द्वारा खरीद लिया गया। तो इस कंपनी के मालिक कौन है, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, और कंपनी के पास 21 भूखंड के आज वो कंपनी मालिक है, और उसके मालिक कौन है कंपनी के, तेजस्वी यादव। तो इसलिए इस प्रकार तेजस्वी यादव एके इंफोसिस्टम के माध्यम से इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए।
अब सवाल उठता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे, क्यों आइसवर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1,00,000 रुपये में अपने सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी को दे दिया? क्यों अमित कात्याल ने 45,00,000 का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ? क्यों एके इन्फो सिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाभार्थी से जमीन लिखवाई गई? क्यों इस कंपनी ने 1,90,00,000 के अनेक भूखंड खरीदे? क्यों इस कंपनी ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, कोई टर्नओवर नहीं किया, केवल जमीन खरीदने का काम किया? क्या तेजस्वी यादव मात्र 15,000 खर्च कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्यों अमित कात्याल और उनके भाई राजेश कात्याल ने इस कंपनी के सारे शेयर 1,00,000 में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेच दिया? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव लंबे समय तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इस समय इस कंपनी के डायरेक्टर रागिनी लालू है और शेयर होल्डर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। क्यों इस कंपनी का इस्तेमाल रेलवे नौकरी के लाभार्थी की जमीन लिखवाने में किया गया? क्या कारण कि लालू के रेल मंत्री के दौरान ही अधिकांश जमीन खरीदी गई? जितनी जमीन खरीदी गई 2007 से लेकर 2010 के बीच खरीदी गई और लालू जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे के रेल मंत्री थे। अभी सीबीआई ने जो FIR दर्ज किया है उसमें एक मामले का उसने उल्लेख किया जो एके इन्फो सिस्टम ने खरीदा, लेकिन इस बीच में मुझे पता नहीं और भी बहुत सारी जांच पड़ताल में और भी बहुत सारी जमीन मिली होगी और वो जमीन उन लोगों के द्वारा बेची गई जो रेलवे के लाभार्थी हैं, तो चार्जशीट की कॉपी जब सार्वजनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इन बातों का जवाब देने के बजाय कि रटा रटाया जवाब कि तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, हम सरकार में आ गए इसलिए सरकार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। तथ्यों के आधार पर CBI कार्रवाई करती है और अब ED की इसमें जो आमदनी हुई AK इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेलवे के लाभार्थियों को और अन्य मामलों से जो लाभ कमाया वो किसके लिए लाभ कमाया? तो लाभ कमाया तेजस्वी यादव के लिए, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय भी इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। और से मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मामला है ये मामला सबसे पहले 2008 में श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी, ये तीन लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से, उनको एक लिखित ज्ञापन दिया और कहा कि रेल मंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव रेलवे में लोगों को 4th ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में जमीन लिखवा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि मामला बंद हो गया, आज तक कभी मामला बंद नहीं हुआ, क्योंकि UPA की सरकार थी, मामला दबा दिया गया, CBI को जाँच के लिए कभी दिया ही नहीं गया। 2014 में जब NDA की सरकार बनी तब ललन सिंह फिर सक्रिय हुए, फिर इन लोगों ने कहा कि भाई हमारे कागजात क्या हुआ, तो वहाँ कागज था ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कागज था न CBI में, तो दोबारा इन लोगों ने कागज दिया और उसी कागज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में इस पूरे घटना का मैंने जिक्र किया, इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि CBI केवल मेरे या ललन सिंह के दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है, हमने तो एक लीड दिया, एक सूत्र दिया, उस सूत्र को बनाकर जांच एजेंसियां और विस्तार से काम करती, उनके पास ज्यादा साधन है, ज्यादा ताकत उनके पास है। तो इसलिए ये जो D1008 या 1088 ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए कि जब दिल्ली में आप जाते हैं तो जिस मकान में रहते हैं जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उस मकान के मालिक कैसे बन गए?
मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज तो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं, उनको जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा ना कि आखिर एके इंफोसिस्टम ने क्यों अपना शेयर आपको 1 लाख में दे दिया, क्यों रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसे अपना जमीन बेच दिया एके इंफोसिस्टम को, और एके इंफोसिस्टम ने अभी तक कुल मिलाकर 21 भूखंड, मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डिटेल एक एक भूखंड का, तो 21 भूखंड जो है 221 डिसमिल जमीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल जमीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो अब शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहां पर ये सारी की सारी जमीन है। और जो इसे मैं कहता हूं बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए, और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज्यादा भूखंड के मालिक है पूरा का पूरा परिवार। इसलिए मित्रों मुझे लगा कि ये जो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके मालिक बन गए और जिसका मुख्यालय D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहाँ यहाँ रहते हैं, जहाँ पूछताछ करने के लिए ईडी गई थी, सीबीआई नहीं गई थी, ईडी गई थी। सीबीआई का मामला तो 25 तारीख को पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया, लेकिन ये ईडी से जुड़ा मामला है और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है।